माया, मोनू, खाने के लिए कुछ लाई हूँ। बच्चे आजकल दुबले लग रहे हैं ना। सुमित, ये शर्ट पहनो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे क्या भागदौड़ हो रही है। इसे इसे सेट कर लो। स्त्री कहाँ है माया? सवेरे सवेरे कहीं जा रही है? मम्मी जी, इंटरव्यू के लिए। अच्छा, आया का इंटरव्यू ले रही है? आया नहीं, माया। माया जॉब इंटरव्यू देने जा रही है मम्मी जी। जॉब? तूने बताया नहीं। मम्मी जी, वो कल शाम को ही पता चला। बहुत अच्छी एड एजेंसी ने बुलाया, मैंने सोचा मिलने में क्या हर्ज है। कांग्रेचुलेशंस माया। थैंक यू भैया। और इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। तुम्हारे लिए तो बेस्ट ही है माया। लेकिन मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही है। बेचारे पहले से ही भूखे थे, अब तो देखो ना, ममता के लिए भी भूखे रहेंगे। अब बच्चों से याद है, सुमित, तुम्हें आलिया को स्कूल से पिकअप करना होगा और मैंने खाना बना दिया है। मैं बच्चों को खाना खिला दूंगी। मोनू, तू चिंता मत कर, मैं बच्चों को ना माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दूंगी। मम्मी जी प्लीज, आप मुझे गिल्टी फील मत करवाइए। नहीं नहीं, मैं तो तेरे जोश की दाद देती हूँ। वैसे ज्यादातर औरतों के लिए परिवार की खुशी काफी होती है ना मोनू? तुम क्यों सर हिला रहे हो? माया, तुम इनकी मत सुनो। इनका बस चले ना तो इस सबके सपनों का कत्ल कर दे। खूनी है ये, खूनी। अबे सनसनी, किसके सपनों का खून किया हमने? मेरे मेरे सब सपनों पे आप लोगों ने मिट्टी का तेल डाल दिया। सच माया, मैं तो इसरो में जाके एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहता था। अबे तू अंतरिक्ष गया तो मंगलवासियों ने धरती पर हमला कर देना है। मैं तुम इन लोगों की बिल्कुल मत सुनो। मैं तो कहता हूँ झट से रॉकेट पकड़ो और फट से इस घर से दूर, कहीं दूर निकल लो। थैंक यू भैया, लेकिन मुझे रॉकेट नहीं चाहिए, मैं मेट्रो से चली जाऊंगी। मेट्रो? कितनी दूर है तेरा ऑफिस? गुड़गांव में। गुड़गांव? नहीं मतलब एक घंटा जाने में, एक घंटा आने में। ओ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। 2 घंटे? हाँ। अकेले? मैं आराम से म्यूजिक सुन सकती हूँ, सुख शांति से बैठ सकती हूँ। और लोगों को खुले में सुसु करता देख सकती हो। खूनी, कातिल, मुजरिम, दरिंदे हैं आप लोग। मैं अपनी शर्ट ही भूल गई। सुमित, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, जॉब मिले या ना मिले। और लीजिए ना। आप ये तीखे मीठे को इतनी अच्छी तरह कैसे मिक्स करती हैं? वैसे पापा जी, एक्चुअली तो इसमें किशमिश डाली जाती है, लेकिन मैं छिले हुए अंगूर डालती हूँ। देवी माँ, जो कर रही हो करती रहो, क्योंकि ऐसे टेस्टी अमृतसरी कोफ्ते बनाने वाली औरत का सुख बहुत कम मर्दों को नसीब होता है। ओ पापा जी। माहा। डॉली, तू तो नहाने गई थी ना? सब ठीक? आपने मेरे लिए गीजर चला के रखा, इसके लिए थैंक यू बोलने आई हूं। मेंशन नॉट। पिछले 40 सालों में आपने मेरे लिए कभी भी नहाने का पानी गर्म नहीं किया। देख डॉली, तू जैसा सोच रही है ना, वैसा कुछ नहीं है। मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तू क्यों मेरे पति को मुझसे छीनने पे तुली है? क्या अमृतसरी कोफ्ते, इसके बारे में तुझे कहाँ से पता चला? मैंने टीवी पे रेसिपी देख के बनाया। तो अब तू खाने से मेरे पति का दिल जीतना चाहती है? मम्मी जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हैं? इन्होंने बताया होगा
हमारे अमृतसरी कोफ्ते का इतिहास तुझे? नहीं डॉली, मैंने माया को कुछ नहीं बताया। इन्होंने तुझे नहीं बताया कि 1982 में जब पहली बार मैंने इनके लिए अमृतसरी कोफ्ते बनाए थे तो इन्होंने मुझसे क्या कहा था? यार इन्होंने मुझसे कहा था कि डॉली मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। शादी के 7 साल बाद तो समझी। देख डॉली, पहली बार आपकी आंखों में मैंने मेरे लिए प्यार देखा था। ये हुआ था जनवरी में और सुमित पैदा हुआ था अक्टूबर में। यार मुझे लगा था मैंने आपका दिल जीत लिया, पर अब साबित हो गया आपको मेरे कोफ्ते से प्यार नहीं था, आपको किसी भी एरीगेरी लड़के के कोफ्ते चल जाते। डॉली पर तूने अमृतसरी कोफ्ते बनाने ही बंद कर दिए। हमारी स्पेशल चीज थी, रोज थोड़ी ना बनती है। देख डॉली, 60+ में चल रहा हूं, जवानी ढल रही है मेरी, मैं भी मर्द हूं, मेरी भी जरूरतें हैं। मम्मी जी जरा ये देखिए। क्या ये? मम्मी जी मैं बताती हूँ, आप भी मेरी तरह हाउसवाइफ है ना, आपको नहीं लगता कि हम जो काम करते हैं उसकी भी कोई वैल्यू होनी चाहिए? माया तुम बिल्कुल सही कह रही हो, इसीलिए ये बताने के लिए मैंने ये बिल बनाया। अच्छा क्या हुआ? तुम्हारी घर की सफाई और डस्टिंग के 10,000 रुपए? हाँ। इसके आधे तो मुझे मिलने चाहिए ना। लो चोर की दाढ़ी में तिनका। तू चुप कर। माया ने जो किया ना बिल्कुल सही किया। अरे हम औरतें जो काम करती है उसका हक हमें मिलना चाहिए। और आप तो ये काम पिछले 40 सालों से करती आ रही है, आज तक आपको इसके बदले में क्या मिला है? 2 प्यारे प्यारे बच्चे। माया मैं भी अपना बिल बनाऊंगी। मम्मी जी आप भी? पेंदे पेंदे। चालीस साल दही कचौरी बनाने के 4,000 महीना। मम्मी जी इमली की चटनी का अलग से। अरे हाँ यह तो महिला मुक्ति आंदोलन टाइप कुछ चल रहा है। बेचारे पापा जी, अगर मम्मी जी ने उन्हें 40 साल का बिल थमा दिया तो उनका तो दिवाला निकल जाना है। अच्छा है ना, आज पापा जी को अपनी वाइफ की वैल्यू समझ आएगी। माया 40 साल में भटूरे कितने खाए होंगे? 3-4 हजार आराम से। मोनू तो यार ये वॉशर निकालने के चक्कर में पूरा ड्रम ही बाहर आ गया। अब इसे वापस फिट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो साला फिट ही नहीं हो रहा। पापा जी आपने मेरी वॉशिंग मशीन बर्बाद कर दी। वॉशिंग मशीन छोड़, अभी तो पापा जी खुद बर्बाद होने वाले। कौन बर्बाद करेगा बे? मैं। क्यों भाई? 40 साल तुम्हारी नौकरी की ना उसका ये बिल है। माया जरा टोटल करके बता। जी तो 3,10,000 महीने के, मतलब 37,20,000 साल के, तो टोटल हुआ है 14,88,40 साल के विदाउट सर्विस टैक्स। तो निकालो बटुआ और दो मुझे 14,88,00,000। इतने छुट्टे पैसे तो मैं हमेशा अपनी बैक साइड में लेके चलता हूँ। 40 साल में 3,000 भटूरे? अबे इतने भटूरे तो मैं 1 महीने में खा जाता हूँ। ये ले अपना हिसाब, 1 धेला नहीं मिलेगा तुझे मुझसे। Bum 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 b